आपके पास सैमसंग गैलेक्सी F14, A14 या फिर M14 कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप मोबाइल की लैंग्वेज को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए जाएंगे आप सेटिंग पे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन है, क्लिक कर लेंगे। इसके बाद इस टाइप से ऑप्शन आएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक कर लेना है। लैंग्वेज पे यहाँ पे आपका अभी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड है, तो इसको आप इस पर क्लिक कर लेंगे। ऐड लैंग्वेज पे, ऐड लैंग्वेज पे जाने के बाद इस टाइप से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, अगर यहाँ पे नहीं मिल रही तो यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस पे क्लिक कर लेंगे, अगर कुछ शॉर्ट हो रखी है तो यहाँ पे मैं कर लूँगी इसको हिंदी में, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लूँगी। तो अगर डिफ़ॉल्ट ना चूज़ करके अगर आपने कुछ और चूज़ कर लिया है तो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ऐसे टच करेंगे और यहाँ से इसको ऊपर ले आएंगे और बैक कर देंगे, तो देख सकते हैं अब यहाँ पे लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में चेंज हो गई है, दूसरी लैंग्वेज चेंज हो गई है यानी कि, ठीक है। और कुछ रिमूव करनी है कोई लैंग्वेज तो एडिट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर लेंगे, ठीक है, या फिर कोई और लैंग्वेज रिमूव कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्लिक कर लेना आपको। तो अभी देख सकते हैं ये मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो इस टाइप से आप सेटिंग कर लीजिएगा लैंग्वेज की। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।